गंगवा से बैटरी मार देंगे इस बार। बिल्कुल बिल्कुल। गंगवा साहब ने कितने काम करवाए? काम छुट्टी काम गिना है उसका, काम इतने काम है। इस बार तीसरी बार है उम्मीद। ठीक जी, महावीर रणवीर जी जिंदाबाद है, मोदी जी जिंदाबाद। हैट्रिक करेंगे इस बार? हाँ हाँ, पक्का, कोई समस्या को नहीं। हैट्रिक भी करेंगे और मंत्री भी बनेंगे। चुनावी बिगुल बच चुका है और आज सीएम सैनी खुद पहुंचे हैं नलवा हल्के के शाहपुर गाँव के अंदर। गुरुदत्त जयंती समारोह में रिकॉर्ड तोड़ भीड़ इकट्ठी करने के बाद डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा ने विजय संकल्प रैली कर एक बार फिर साबित कर दिया कि वो नलवा से हैट्रिक लगाने को तैयार है। कांग्रेस की बड़ी बड़ी बातों के बीच भाजपा के मेलियों में उमड़ती भीड़ कुछ और ही इशारा कर रही है। आज जिस तरीके से नलवा हल्के के शाहपुर गांव में जो नजारा देखने को मिला, जिस तरीके से भीड़ उमड़ी यहां पर, तो माहौल भाई साहब बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। भीड़ को देखकर सीएम नायब सैनी ने भी बड़ी गर्मजोशी से लोगों का अभिवादन स्वीकार किया और बड़े मन से गदा घुमाकर डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा को जीत का मंत्र दे गए। चलिए आपको भी दिखाते हैं रैली स्थल की लाइव तस्वीरें, लोगों ने क्या कहा, वहां बड़ी भीड़ ने क्या कहा, डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा क्या बोल रहे मंच से और नायब सैनी ने क्या कहा मंच पर, चलिए आपको दिखाते हैं लाइव तस्वीर। रैली हमने 22 तारीख की रखी थी कि यहाँ हलके के लिए और काफी जो घोषणाएं हैं वो करवाने का काम करेंगे, लेकिन उससे पहले जैसे आपको पता है कि 16 तारीख को आचार संहिता लग गई और इसलिए अब घोषणाएं तो नहीं हो सकती, लेकिन मैं धन्यवाद करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। इन्होंने कहा कि आप चिंता ना करो, यूं मान लो हमारे घोषणा पत्र में ही है, वो आते ही उसको पूरा करने का काम हम करेंगे, आपको किसी तरीके की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं माननीय नायब सैनी जी का इसलिए धन्यवाद और बधाई देना चाहूंगा कि जब से ये बागडोर इन्होंने हरियाणा प्रदेश की संभालने का काम किया है, तब से ही लगातार दिन रात एक करके और आप तक सरकारी सेवाओं का लाभ कैसे पहुंचे, इस बात पे उन्होंने जोर दे करके और आज अनेक इस तरीके की घोषणाएं करने का काम किया और उनको लागू करवाने का काम किया जो आज तक के इतिहास के अंदर कभी नहीं हुई। आपने देखा होगा कि आदरणीय नायब सैनी जी ने अभी हमारे बरसात लेट हुई और बरसात लेट होती है तो फिर किसान का खर्चा बढ़ जाता है। आदरणीय नायब सैनी जी एक खुद किसान परिवार से आते हैं, गांव में रहने वाले हैं, इसलिए इनको पता है कि जब बरसात लेट होती है तो डीजल फूंक करके किसान खेतों के अंदर पानी लगाता है और इसलिए इन्होंने तुरंत अधिकारी बुला करके घोषणा करने का काम किया कि हम 2000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों को खर्चे की भरपाई करने के लिए देंगे। यह पहली बार ऐसा इतिहास के अंदर, कभी ऐसा नहीं हुआ। हमारे से पहले जो कांग्रेस के लोग हैं किसानों को दो दो पांच पांच रुपए के चेक देकर के अपमानित करने का काम करते थे। साथियों, अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूं तो पिछले 5 सालों के अंदर जिस तरीके से जहां हमने चुनाव के अंदर वायदे करने का काम किया था कि हर घर में नल और नल में स्वच्छ जल, हमने गांव के अंदर भी शहर के अंदर भी अनेक जगह पर जहां वाटर वर्क्स नहीं थे वाटर वर्क्स बनाने का काम किया और जहां पुरानी पाइपलाइनें थी उनको जल जीवन मिशन के तहत नई पाइपलाइनें लगाने का काम किया, वो आप सबके सामने है। नलवा दो भागों में बटा हुआ है, नलवा शहरी और नलवा ग्रामीण। नलवा शहरी की अगर मैं बात करूं तो आजाद नगर के अंदर हमने 10 करोड़ रुपए की लागत से वाटर टैंक बनाने का काम किया। पटेल नगर के अंदर जो हमारा सेक्टर 15 के अंदर जो वाटर वर्क्स है वहां 4.5 करोड़ रुपए की लागत से वाटर टैंक नया बनाने का काम किया और अमृत योजना के तहत जो है नई पाइपलाइनें बिछाने का काम किया और आज वहां पानी की कोई किल्लत और परेशानी नहीं है, समुचित हर जगह पे पानी जा रहा है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो चाहे कैमरी रोड के ऊपर ओवरब्रिज बनाने की बात हो, लाइटें लगवाने की बात हो, और मैं धन्यवाद करूंगा आदरणीय नायब सैनी जी का कि पिछले दिनों जब हमारे हल्के के अंदर आए थे तो गंगवा रोड पर भी उन्होंने उसी टाइम ये घोषणा करने का काम किया कि 29 करोड़ की लागत से मॉडल रोड बनाया जाएगा बाईपास तक, उसके ऊपर भी काम शुरू हो गया है। हमने नलवा हल्का के अंदर शिक्षा का स्तर, शिक्षा किस तरीके से ज्यादा हमारे बच्चों को मिले, इसके लिए हमने
नड़वा के अंदर संस्कृति मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनाया, आर्यनगर के अंदर भी संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनाने का काम किया, गंगवा के अंदर पीएम सीरीज स्कूल जो हमारा अभी बना है, और मंगाड़ी के अंदर जो हमारी सबसे बड़ा गांव है उसके अंदर एक कॉलेज का निर्माण भी अभी इसी टर्म के अंदर हमने कराने का काम किया है और कॉलेज की क्लासेस शुरू हो चुकी है। तो इस तरीके से हमने हर जगह पे जो है डेवलपमेंट के कार्य करवाने का काम किया है। आप लोगों ने जो जिम्मेदारी देने का काम किया था उसको निभाते हुए हमने हल्के के अंदर किस तरीके से ज्यादा विकास हो उस पर कार्य करने का काम किया, और आज जो बड़े गांव है उसको महाग्राम योजना के अंदर जोड़ा जा रहा है। आज गंगवा जो बड़ा गांव है उसके अंदर आज 78 करोड़ रुपए की लागत से जो है वो महाग्राम योजना के अंदर लेकर के शिविरकार पानी का काम जो है शुरू हो चुका है। भाइयों, आपका जोश, आपका उत्साह देखकर मेरा ये विश्वास और भी बढ़ गया है कि हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार यह तीसरी बार बन रही है। मैं आप सबको आज आप सब के बीच में, मैं नलवा की सरदारी के बीच में आज ये आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि नलवा की सरदारी का जब 4 तारीख को रिजल्ट आएंगे, नंबर 1 के ऊपर कमल का फूल खिल करके चंडीगढ़ पहुंचाने का काम आप लोग करेंगे। भाइयों, मैं आज अपने परिवार के बीच में आया हूं, मुझे खुशी है मेरी मातृशक्ति इतनी भारी संख्या में बैठी है, उनका आशीर्वाद अपने बेटे के इस भाई के सिर के ऊपर है, मुझे इस बात का गर्व है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अभी जो सम्मान की पगड़ी ये नलवा की सरदारी ने मेरे सर के ऊपर रखी है, मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि इस पगड़ी के सम्मान को कभी कम नहीं होने दूंगा, आपके सम्मान को बढ़ाने के लिए काम करूंगा। भाइयों, मैंने जितना समय मिला है मैंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, डट करके आपके बेटे ने काम किया है। आज पूरा प्रदेश आज उस काम की प्रशंसा कर रहा है, ये मेरे लिए गर्व की बात है। अरे गरीब परिवार का बच्चा, एक गरीब परिवार का बेटा, अरे जिसकी कोई बैकग्राउंड नहीं है राजनीतिक, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आपके बीच में से खड़ा कर दिया, और भाइयों राजनीति की एक नई लाइन खींचने का काम ये आपके बेटे ने किया है। भाइयों, ये कांग्रेस के लोग आजकल अपनी राजनीति को ये झूठ के ऊपर ये करना चाहते हैं। मैं आज आप लोगों के बीच में आप सबका यह आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं कि कांग्रेस के इसके झूठ को अब हम न चलने देंगे और ना ही बिकने देंगे। भाइयों, मजबूती से हम उनके खिलाफ खड़े होकर के तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हरियाणा में सरकार बनाने का काम करेंगे। भाइयों, मैं अभी पिछले दिनों मैंने कालका में एक बड़ी एशिया की सबसे बड़ी एप्पल मंडी का भाइयों उद्घाटन किया। मैं जब उस उद्घाटन के मौके पे गया तो मैंने कांग्रेस के भूपेंद्र हुड्डा को 5 क्वेश्चन किए। मैं कहा भाई 5 क्वेश्चन बता देता, ऐसा मांग रहा आजकल घूम रहा और तो कुछ फंसा नहीं है। कहा जी हिसाब मांग रहा, हिसाब मांगो
भाई हम तो हिसाब देने के लिए तैयार हैं। हमारी सरकार हर साल लोगों को जनता के बीच में जाकर के क्या क्या काम करती है उसका हिसाब हर वर्ष देने का काम करती है। मैंने उनको 5 क्वेश्चन किए, आज तक एक का भी उत्तर नहीं आया। और जिस दिन मैं हरियाणा प्रदेश के किसानों के खाते में ये बरसात कम हो रही है उसकी चिंता अगर किसी ने की थी, वो आपके गरीब बेटे, गरीब किसान के बेटे ने की थी कि मेरे किसान का खर्चा ज्यादा हो रहा है, उसका खर्चा कम होना चाहिए। और हमने ये निर्णय ले लिया, ये निर्णय लिया, हमारे मंत्री मंच के ऊपर बैठे हैं, पूरी कैबिनेट ने यह निर्णय लिया कि किसान के खाते के अंदर प्रति एकड़ के हिसाब से 2000 रुपया पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। और भाइयों, जिस दिन मैं ये पैसा डाल रहा था, मैंने पहली किस्त 525 करोड़ रुपए की डाली, और जिस दिन ये पैसा डाल रहा था मैंने उस दिन भी भूपेंद्र हुड्डा से 11 सवाल और किए थे। माखा भाई उसका तो उत्तर नहीं दिया, मैं 11 सवाल और आपको देता हूं, आप इनका उत्तर दे दो, और अगर आपके पास उत्तर नहीं है तो भाईयो मखा सोनिया गांधी के सितारे से जाके पूछ करके हमें उत्तर दे दे, राहुल गांधी से पूछ करके दे दे। नहीं, आपके पास उत्तर है, परंतु उसके पास तो आज तक कोई उत्तर नहीं आया है। भाइयों, इन्होंने शोषण किया है, प्रदेश के लोगों का शोषण किया है। हमारी सरकार प्रदेश को बिना भेदभाव, बिना क्षेत्रवाद, भाइयों बिना भाई भतीजावाद के हरियाणा प्रदेश को लगातार आगे बढ़ाने का काम अगर कोई सरकार कर रही है तो वो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार कर रही है। भाइयों, मैं आप लोगों के बीच में एक बात कहना चाहता हूं कि जो ये लोग हिसाब मांग रहे हैं, मैंने 12 मार्च को शपथ लिया था, 13 मार्च को मैंने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया था, और 16 मार्च को लोकसभा का कोड ऑफ कंडक्ट लग गया था, 6 जून को कोड ऑफ कंडक्ट हटा, 6 जून से लेकर के आज टिल डेट तक, आज 22 जून अगस्त है, 22 अगस्त 6 जून से लेकर के 22 अगस्त तक का, ये तो 10 वर्ष का हिसाब मांग रहा है। मैं तो इसको अपना एक महीने का हिसाब देने के लिए तैयार हूं कि हमारी सरकार ने एक महीने में कौन कौन से निर्णय लिए हैं। ये कान खोल करके ये कांग्रेस के लोग सुन ले, भूपेंद्र सिंह हुड्डा तू भी सुन ले, फिर कहेगा कि हमें हिसाब नहीं पता है। हमारी सरकार ने भाइयों जो ये काम किए हैं, 6 जून को कोड ऑफ कंडक्ट हटा, 7 जून को पहला निर्णय, आपके भाई बेटे ने जो बैठ करके किया, वो निर्णय किया कि मेरे हरियाणा प्रदेश के ऐसे 23 लाख परिवार जिनकी इनकम 1 लाख रुपए से कम है, उन्होंने दवाई लेने के लिए कहीं हॉस्पिटल में जाना है, उन्होंने कहीं अपनी रिश्तेदारी में किसी प्रोग्राम के अंदर जाना है, उन्होंने सामान लेने के लिए बाजार में जाना है। भाइयों, हमने एक हैप्पी कार्ड उनको दिया है कि वो बस में हरियाणा रोडवेज की 1 साल के अंदर 1000 किलोमीटर तक फ्री में सर्विस कर सके, कोई किराया उनका ना लगे। भाइयों, ये सुविधा हमने 7 जून को दी है। और भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं, 8 जून को हमने ये फैसला किया कि हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने 1,45,000 नौकरिए बिना पर्ची बिना खर्ची के दी है, किसी भी मां बाप का 5 पैसा नहीं लगा। और हमने ये निर्णय किया कि
कि आने वाले समय के अंदर 50,000 नौकरिये और देने का मैं काम करूंगा। और भाइयों, लगातार हमारी सरकार एक मिशन मोड के अंदर बच्चों को लगाने का काम कर रही थी।